मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जो आप लोग को मैथ में वर्क देने जा रही हूँ, मैंने इसे पिछले क्लास में बिग और स्मॉल मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो आइए हम लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे। टिक द बिग पिक्चर, टिक द बिग पिक्चर मतलब वैसे फिगर को हमें टिक करना है जो बड़ा है। एंड क्रॉस द स्मॉल पिक्चर, एंड क्रॉस द स्मॉल पिक्चर और वैसे फिगर को क्रॉस करना है जो छोटा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो बलून का फिगर है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कौन बिग बलून है और कौन स्मॉल बलून है। तो हमारा जो फर्स्ट बलून है वो क्या है, बिग। क्या है, बिग। इसमें हम टिक आउट करेंगे। सेकंड नंबर में हमारा जो बलून है क्या है, स्मॉल बलून है। क्या है, स्मॉल बलून। तो स्मॉल को क्रॉस करना है इस तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने मम्मी का हेल्प लेकर, उनसे आप हेल्प लोगे, ये क्वेश्चन बन उतरवाओगे, उसके बाद आप खुद से बनाओगे, ठीक है। ये नहीं कि फिगर का क्वेश्चन टीचर ने दिया है तो आप लोग इसे छोड़ दोगे, नहीं, अपनी मम्मा का हेल्प लोगे और इस फिगर को उतरवाओगे और बनाओगे। सेकंड में हमारा क्या है, बॉल। अब बताओ ये बॉल स्मॉल है या बिग। स्मॉल है तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे, ये बॉल हमारा क्या है, बिग है, तो यहाँ हम टिक आउट करेंगे। थर्ड नंबर, ये हमारा क्या है, बिग ट्री है, इसे हम टिक करेंगे। ये हमारा क्या है, स्मॉल ट्री, तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे। फोर्थ नंबर, ये हमारा क्या है, स्मॉल स्टार, यहाँ हम टिक क्रॉस करेंगे। और ये हमारा क्या है, बिग स्टार, तो यहाँ हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में उतारोगे, अच्छे से बिग और स्मॉल को समझते हुए इस क्वेश्चन को बनाओगे, ताकि बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके, थैंक यू। बहुत ज़्यादा